हेलो फ्रेंड्स, आज हम 400 के वी सब स्टेशन के स्विच यार्ड में हैं। ये आपका 400 का वी इनकमिंग लाइन है। ये हमारा एलए है, लाइटनिंग अरेस्टर, और ये हमारा पीटी लगा है, 400 के वी पीटी। यहाँ से ये आइसोलेटर में आता है। ये 400 के आइसोलेटर है। ये आइसोलेटर यहाँ से ओपन होता है, ये जो पार्ट है यहाँ से ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इसका नीचे बॉक्स है, कंट्रोल बॉक्स, यहाँ से कमांड देने से यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से पावर कट, सामने से पावर कट हो जाएगा। ये 400x220 के वी स्टेशन है। यहाँ से इनकमिंग आता है 400 के वी, और ये हमारा ये ब्रेकर है, ये भी आइसोलेटर है, और ये ब्रेकर है 400 के वी का। ये ब्रेकर है तीनों फेज का, RYB, ये यहाँ से ऑपरेट होता है। ये आइसोलेटर है, आइसोलेटर एंड ये ब्रेकर 400 के वी का, और ये PT है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT। PT करंट ट्रांसफार्मर हो काम करता है। सॉरी, ये CT है, ये करंट ट्रांसफार्मर CT है, करंट मेजर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ से ये लिया जाता है। ये CT है, ये ब्रेकर है। यहाँ पे आगे दो ट्रांसफार्मर है, दो लाइन है, तो यहाँ पे ये 3-3-6, दो ब्रेकर और ये दो ट्रांसफार्मर के 3-3-6 CT लगा है यहाँ से। उसके बाद आइसोलेटर है, यहाँ पे लगा है। यहाँ से भी PT लगा है, ये वहाँ से इन होता है, ऐसा यहाँ से जाता है। ये भी PT है और ये ब्रेकर है। ये CT है, ये ब्रेकर है, वो भी CT है। PT आपका दो जगह लगा है, एक पहला इनकमिंग LA के बाद PT लगा है, और एक ट्रांसफार्मर के पास एक PT लगा है, बाकी ये सब CT है। उधर और एक सब स्टेशन है स्विच यार्ड, उधर और एक स्विच यार्ड है, अब देख पा रहे हैं। और उसका यहाँ से गया है, उसको जो सप्लाई यहाँ से गया है। उसको यहाँ से ये सप्लाई वो सब दूसरा सब स्टेशन को गया है उधर।
400 केवी का बस है यहाँ पे, आप देखेंगे जो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है 400 केवी बस। ये 400 केवी का ट्रांसफार्मर है। तीन सौ पंद्रह एमवीए का ट्रांसफार्मर में है, 400 के 315। और ट्रांसफार्मर चार्ज कंडीशन में है, हमिंग साउंड आता रहेगा। चलो थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। ये 400 केवी ट्रांसफार्मर है, ये लाइटनिंग अरेस्टर है, इसका रेडिएटर साइट में दिया हुआ है, इसका रेडिएटर इधर साइट में दिया है। उसका कूलिंग सिस्टम है, यहाँ पे पंप लगाया हुआ है ऑयल को फ्लो कराने के लिए, और यहाँ पे फैन लगा है, यहाँ से ऐसा ऑयल कूलिंग होता है इसका। ये हॉट ऑयल इधर से ये पाइप से जाता है, इधर कूल होके ये पाइप के थ्रू अंदर आता है। ये मार्शलिंग बॉक्स है, इसमें हमारा OTI WTI सारा लगा रहता है। अगर देखिएगा तो ऑयल टेम्परेचर की वाइंडिंग टेम्परेचर, इसमें ट्रांसफार्मर का सारा, ये जो सारा केबलिंग वायरिंग जो आता है इसमें आता है, यहाँ से आगे जाता है और सीलिंग बॉक्स। ट्रांसफॉर्म चार्ज कंडीशन है इसलिए हमिंग साउंड आ रहा है। ये 400 केवी इसमें आया, ये स्टेप डाउन होके 220 होके, ये आपके सामने 220 केवी स्विच यार्ड है। ट्रांसफार्मर है 400 220 33। ये ऑन लोड टैप चेंजर है, ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ है गियर बॉक्स और तीनों फेज के इंडिविजुअल पोल रहता है तीनों फेज का। ये जो गियर बॉक्स है यहाँ पे आपका डाइवर्टर स्विच लगा है, ड्राइव मैकेनिज्म ऑपरेट कराता है। गियर बॉक्स को डाइवर्टर चेंज होते हैं अंदर, इसके अंदर डाइवर्टर है। एक इसका रेडिएटर कहीं भी नहीं है साइड में, इसका रेडिएटर साइड में है इधर, जो कूलिंग पर्पस के लिए काम करता है। नीचे पंप लगा रहता है, पंप के थ्रू ऑयल सर्कुलेट होता है। और ये आपका फायर प्रोटेक्शन के लिए NIFS नाइट्रोजन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, अगर इसमें कुछ फॉल्ट होता है तो उसका ट्रिपिंग लॉजिक कंप्लीट होने के बाद यहाँ से नाइट्रोजन
गैस, ये जो मोटा वाला पाइप है इसमें आपका ऑयल ड्रेन होता है, और जो पतला वाला पाइप है इसमें आपका ट्रांसफार्मर नाइट्रोजन इंजेक्ट होता है। अभी ये वर्किंग में नहीं है, अभी काम चल रहा है, ये कनेक्ट होगा। अभी वर्किंग में है, नाइट्रोजन का लाइनिंग अभी वर्किंग में है, ये कंप्लीट होने के बाद ये वर्किंग में आ जाएगा। ये सामने 220 kV स्विच है, ये लाइटनिंग अरेस्टर है, करंट होता है, यहाँ मेजर करता है, ये काउंटर है, काउंट करता है ये कितने बार ऑपरेट हुआ है।